नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल जॉब लाइकर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट 30,000 में निकली है। जो पोस्ट का नाम है वो PN चौकीदार और प्रोसेस सर्वर है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस प्रकार आपका टेस्ट होगा उसकी कम्प्लीट जानकारी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी वो 21 फरवरी होगी। और जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो जनरल और OBC के लिए 500 रुपये होगी और SC ST कैंडिडेट के और EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये होगी। और 18 से 27 ईयर के सभी कैंडिडेट्स इसको फिल कर सकते हैं। टोटल 417 पोस्ट पर ये भर्ती होगी। देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो इसमें जो पोस्ट किस प्रकार होंगी आप देख सकते हैं। जो PN या डाक PN या ऑर्डरली PN जो सेशन जज हेडक्वार्टर दिल्ली में होंगे, टोटल 276 पोस्ट हैं। आप कैटेगराइज अपनी अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं। और जो PN और या डाक PN ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट हेडक्वार्टर दिल्ली में जो पोस्ट होंगी वो 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और जो चौकीदार की जो पोस्ट है वो टोटल 33 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं। स्वीपर सफाई कर्मचारी की टोटल 23 पोस्ट है और प्रोसेस सर्वर की टोटल 74 पोस्ट है। और टोटल प्रोसेस सर्वर की सेशन जज कोर्ट में हेडक्वार्टर में 74 पोस्ट हैं और जो प्रोसेस सर्वर की फैमिली कोर्ट में 7 पोस्ट हैं टोटल। जो पे ग्रेड होगा वो जो PN चौकीदार और स्वीपर सफाई कर्मचारी है उसके लिए 3rd पे ग्रेड होगा और जो प्रोसेस सर्वर है उसके लिए 4th पे ग्रेड होगा। बात करते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो PN चौकीदार और जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और जो प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। इसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस LMV में होना जरूरी अनिवार्य है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना है। आप इसके लिए जो पेमेंट जो फी जो 500 और 250 रुपये है उसकी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड UPI से मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिएगा आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उस वो आपका 100 नंबर का होगा टोटल। और उसमें से आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं जो SC नहीं वो जो जनरल कैटेगरी है उसको 50 नंबर लेना अनिवार्य है और जो अदर कैटेगरी के हैं उसको ओनली 45 नंबर लेना अनिवार्य है। यानी कि मिनिमम इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए तभी आपका जो टेस्ट है वो क्वालिफाई होगा। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। जो PN सफाई कर्मचारी और प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है उस प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए ड्राइविंग टेस्ट है और जो बाकी जो पोस्ट बच गई PN सफाई कर्मचारी चौकीदार इनके लिए कोई भी ड्राइविंग टेस्ट नहीं है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपको वो ओनली क्वालिफाई करना है। और जो इंटरव्यू है उसमें टोटल 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसमें से मिनिमम आपके जो जनरल कैटेगरी है उसको 5 नंबर मिलने चाहिए और जो अदर कैटेगरी बच गई SC ST OBC उनको 4 नंबर मिलना अनिवार्य है। अब देखिएगा जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार होगा। आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे इंक्लूडिंग करंट अफेयर यानी करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन आएंगे इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और उसके बाद अर्थमेटिक आएगा, अर्थमेटिक मैथ आएगा टोटल 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे
120 मिनट, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उसको 160 मिनट दी जाएंगी, और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है, टोटल 0.225 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, अगर आपने उसको जो फिलअप किया है आपने उस सर्कल को, यानी कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है और वो गलत है, तो उसके लिए आपके 0.25 नंबर कट कर दिए जाएंगे। टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका, अगर प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, नहीं तो आपका सीधा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको 5 और 4 नंबर लेना अनिवार्य है, जैसे मैंने पहले बताया था। ये देखिएगा, ये थी पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।